दोस्तों हुण असी बाथू की लड़ी तो बाद पौंग डैम जां जसनू महाराणा प्रताप सागर कहिंदे ने उत्थे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है जिथे कहिंदे लखां दी तादाद दे विच जिहड़े पंछी ने वो माइग्रेट होके आउंदे ने साइबेरिया वगैरह तो ते वो आपां पंछी देखांगे ते वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारे सारी जानकारी प्राप्त करांगे। ते हुण असीं जा रहे हैं उधर नूं, इह लगभग इत्थों 40 किलोमीटर हैगा रस्ता। बारिश काफ़ी अज पहले ही दसी हुई सी, देखते हैं भी पिछले लोकेशन की जगह जिस तरह साढ़े नाल हुई है कि इस तरह ही ना हो, बारिश काफ़ी है, पानी भी काफ़ी आया हुआ हिमाचल के करके थोड़ी दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं। आप देखो भी हजे तक भी हिमाचल पूरी तरह तहस नहस होया हुआ है। वह पुल देखो पानी के दे नाल ढह चुके, रास्ता उन्होंने एक साइड की कटिया हुआ है, हूँ काफ़ी नुकसान किया मीह ने इतने पानी ने। हाँ देखो दोस्तों आ पुल बंद किया हुआ है, नुकसान गया सीगा पानी नाल। असी हुण बिल्कुल गेट पर पहुँच चुके हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। आ गेट आ गया, अगे गेट के अगे लिखे उन्होंने वेलकम टू पौंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुखनारा गेट। हुण असी इस तो अगे जावांगे, देखते हैं अगे की हैगा। आ हुण अगे एक होर गेट आ गया, इहदे ते लिखिया होयागा आपका हार्दिक अभिनंदन पौंग बांध झील वन्य जीव अभयारण्य। हाँ देखो इस तरह की इत्थे लोकेशन हैगी है, इधर कोई टिकट काउंटर भी बनया होयागा पर इस वक्त बंद है, टिकट की कोई लोड़ नहीं मैं लग रहा। तो असी अगे जा रहे हैं हुण इस रस्ते तो ही, इन्होंने कोई टिकट नहीं ली साड़ी क्योंकि टिकट वाला बंद है काउंटर, पता नहीं क्यों। इस तरह के कोई फ्लैक्स लगा रखे ने इन्होंने, तो इत्थे कहिंदे काफ़ी 1 लाख तो उपर पंछी माइग्रेट होके आउंदे ने। आप अगे देखते हैं इत्थे की है कि हुण रस्ते की कन्फ्यूजन बहुत है, एक तो इत्थे एक इधर जा रहा रस्ता ते एक आ वाला रास्ता हैगा। चलो इधर जाके देखते हैं की हैगा अगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी पहुँच चुके हैं, एक छोटा जा पुल जहा बनाया हुआ इतने। बहुत तेज हवा चल रही है, मौसम ठंडा हो चुका है इतने। बहुत वधिया व्यू है इहदा, इत्थे बोटिंग भी की जा सकती है। आ देखो जी बहुत तेज हवा चल रही है, तो पानी का लैवल साढ़े वाल आ रहा, बढ़ रहा है।
पानी बिल्कुल साड़ी तरफ आ रहा है, काफी कहते खतरनाक हो सकता है इस तरह। ये पोंग डैम भी 1975 दे विच बनाया गया सीगा, ब्यास रिवर ते बनया होया ये डैम, ते 1983 दे विच इहनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिकलेयर किया हिमाचल गवर्नमेंट ने। हवा बहुत तेज आ चुकी, ते 1994 दे विच इहनू वेटलैंड ऑफ नैशनल इंपोर्टेंस पोंग डैम दी, इनू 2002 दे विच रामसर साइट भी डिकलेयर किया गया। इत्थे दोस्तों लखां दी तादाद विच जिहड़े पंछी ओह मैगरेट हो के आउंदे ने, तुहानू पहलां भी दस्सिया सीगा इस साइबेरिया वगैरह तों, जां कहिंदे इह हिंदू कुछ हिमालिया तों आउंदे ने। हवा इन्नी क तेज है ते साडे कन्न पूले करते हवा। काफ़ी पंछी भी है इतने, वैसे उन्हें ज़्यादा नहीं है कि सर्दी के ज़्यादा आते हैं, अजे वो मौसम आया नहीं गा नवंबर दसंबर का, फिर भी मैं चुप करके हम दिखा दिना काफ़ी पंछी रहते हैं। बारिश के कारण हुण सानू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बाहर आना पै रहा, बारिश आ गई सी हुण रुकी हुई है, वैसे काफ़ी वधिया व्यू सी उत्थे। आ इन्हां ने फ्लैक्स ला रखे आ पंछियां दे कुछ जिहड़े बाहरों माइग्रेट होके आउंदे ने, इह तड़के हो गए ने सी। आ देखो जी किहड़े किहड़े पंछी इत्थे आउंदे ने, उहनां दे इन्हां ने फ्लैक्स लाए हुए ने। इह शायद नवंबर ते दसंबर दे विच ज़्यादा आउंदे ने पंछी इत्थे सर्द रुत्त च, हुण सानू कोई ज़्यादा नहीं दिखे उरे, पर असीं इत्थों आ हुण फ्लैक्स तो ही देख सकते हैं। मैं तुहानू दिखाउणा इन्हां दा, इन्हां दा लिखिया भी होया वेरवा कदों तक इह पंछी आउंदे ने इत्थे नीचे।
एक तो इतने ब्लॉगर बहुत आए हुए ने अज काफ़ी डिस्टरबेशन है जी पिछे भी कोई इन्हों कैप्चर कर रहा सीगा ब्लॉग बना रहा सीगा हाँ हम साड़ी वापसी तो इन्होंने गेट बंद करता देखते इन्हों तो खिलौने हम की है ये की कहें पता नहीं क्यों शायद खुद ही खोलना पड़ेगा